जय हिंद। पॉलिटी में आप अक्सर सुनते होंगे कि आईपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा क्या होती है। आप सुने होंगे धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है, जज और मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। सर अभी एक बात चल रही है कि समान सिविल संहिता हिंदू मुस्लिम के लिए एक सेम कानून, इस सब के बारे में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है संविधान। हमारा संविधान इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे कम्प्लीटली लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। उस दिन हम रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक का मतलब होता है जो राष्ट्र का प्रमुख है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका कभी भी चुनाव होगा वो वंशानुगत नहीं आ सकते हैं। तो जब किसी राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव हो वह वंशानुगत ना हो तो उसे हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र के नाम से जानते हैं। तो हम लोग गणतंत्र में आते हैं। ये जो हमारा संविधान है इसमें हर चीजें नहीं लिखी गई है, इसमें मेन मेन चीजें लिखी गई हैं। लिखी गई है कि देश कैसे चलेगा, मतलब केंद्र सरकार कैसे शासन करेगी, कहां कहां उसके अधिकार होंगे, राज्य कैसे चलेगा, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करी। जैसे देखिए रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि रेलवे में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पोस्ट ऑफिस में नहीं कर सकती है, बैंक में कुछ नहीं कर सकती है। जो बैंक आपको चेन्नई में मिलेगा वो बैंक आपको यूपी में भी मिल सकता है, बिहार में भी। सबके नियम कानून एक जैसे रहेंगे। तो वो इसी संविधान में लिखे गए हैं। इसमें सरकार कैसे चलाएगी, कैसे राष्ट्रपति शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री लेंगे, किसकी कितनी शक्ति होंगी, एक सामान्य विधायक या सांसद की कितनी शक्ति होगी, ये सारी चीजों की चर्चा इसी संविधान में किया गया है। इसमें नागरिकता की भी चर्चा है कि कौन हमारे यहाँ का नागरिक है और नागरिक होने के नाते उसे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन है जो रह सकता है लेकिन नागरिक नहीं है, हमारे कौन से अधिकार हैं, कब वो अधिकार छीने जा सकते हैं, इसमें नया कानून कैसे बनाया जा सकता है, वर्तमान कानून को कैसे हटाए जा सकते हैं, यानी इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है, ये सारी की सारी चर्चाएं इसी संविधान में है। कोई भी कानून आप हिंदुस्तान में बना सकते हैं लेकिन उस कानून का जो आधार रखा जाता है उसमें आप ऐसा नहीं बना सकते जो इसमें मना किया आप वो बना देंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति का अधिकार है वो वोट डाल सकता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके जाति धर्म के आधार पर उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दीजिए। पता चला किसी एक धर्म का नाम हटा दीजिए कि ये धर्म के लोग वोट नहीं देंगे तो संविधान कहता है कि नहीं भैया आप धर्म के नाम पर नहीं हटा सकते। तो ऐसा संसद कहीं कानून नहीं बना सकती। जब इस संविधान को बनाया जा रहा था तो इसको कोशिश ऐसा किया गया कि जब भी हमें संविधान की जरूरत पड़े, कुछ चीजों पे फंसे, तो हमें फटाक से वो चीज मिल जाए। तो अगर इस संविधान को कहानी की तरह लिख देते तो पता ही नहीं चलता किस पेज पर कौन सा चीज लिखा गया है। तो इसको पॉइंट 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 टू पॉइंट लिख दिया गया है ताकि खोजने में आसानी रहेगी। जैसे कैसे आप किसी चीज को खोजते हैं किताब में तो पेज नंबर के हिसाब से खोज देते हैं, तो आप भी अगर नोट्स बनाते होंगे तो तीर दे देकर नोट्स बनाते होंगे। उसी तरह इस संविधान में जो पॉइंट दिए गए हैं उस पॉइंट को आर्टिकल्स कहते हैं। हिंदी में इसको हम अनुच्छेद कहते हैं। इसमें अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद है। इसको एबीसी करके एक्सटेंड किया जा सकता है, बट ये 395 से नंबरिंग नहीं ले जाएंगे 396, 395 ही रहने देंगे, एबीसी जोड़ेंगे वहां पे। तो इसमें अनुच्छेद होते हैं, इसमें धारा का प्रयोग नहीं किया जाता। अनुच्छेद क्या होता है, पॉइंट होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि भैया आप बताइए राष्ट्रपति किस में है, तो अनुच्छेद 52, तो हम खोलेंगे तो आराम से, मान लीजिए हमने कोई पेज खोला तो वहां पर लिखा हुआ अनुच्छेद 35, तो हम आराम से समझ जाएंगे तो 35 है। राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे 52 में तो और घसका के चले जाएंगे। तो ये अनुच्छेद एक पॉइंट है जो हमें इस बात की सहूलियत करने देता है कि कौन सी चीजें कहां है। जैसे हम लोग इसमें तो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि भारत राज्यों का संघ है, हम किसी दूसरे राज्य को भारत में मिला सकते हैं कि नहीं, तो ये अनुच्छेद 2 में लिखा है। जैसे सिक्किम को भारत में मिला लिया गया 16 मई 1975, उससे पहले सिक्किम भारत का नहीं था, वो एक स्वतंत्र देश था। और अनुच्छेद 3 में लिखा है कि वर्तमान राज्यों को तोड़ सकते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, बिहार से झारखंड, ऐसे। तो ये अनुच्छेद में लिखे गए। वैसे ही संसद कहाँ है, तो 79 में संसद की चर्चा है। तो आप जब इस किताब को खोलिएगा और इत्तेफाक से मान लीजिए आपने 40 नंबर अनुच्छेद खोल दिया तो आपको लगेगा ना नहीं हमको संसद के बारे में पढ़ना है, वो 79 में, तो आप आराम से पहुँच सकते हैं वहाँ पर। तो ये सहूलियत देने के लिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स बना दिए गए। अगर कहानी की तरह लिख देता तो आपको पढ़ना पड़ता, अरे भाई साहब कहाँ का संसद निकल तो नहीं गया, समझ गया, विकिपीडिया की तरह इसे बना देता सीधे, तो खोजते रहो घसका घसका के बोर होकर छोड़ देते। लेकिन आप ही बताइए हिंदुस्तान में तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस संविधान में लिखी नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए इस संविधान में है कि आप अलग से कानून बना सकते हैं लेकिन ऐसा ना बना दीजिएगा कि इसे उल्टा हो जाए। तो हम लोग क्रिमिनल कानून अलग से बनाए हैं और सिविल कानून भी बहुत अलग से बनाए हैं। बात करते हैं सिविल कानून की। सिविल कानून उसे कहते हैं जिसमें मारपीट, गुंडागर्दी, डकैती, रेप, धमकी, ये सब चीजें नहीं रहती है। पैसे से रिलेटेड चीजों को हम सिविल मामला कहते हैं। किसी का मकान में घुस गए, खाली नहीं कर रहे, खेत जोत लिए हैं, ये सब चीजें होती हैं। शादी ब्याह वाला मैटर, ये सब सिविल के अंतर्गत में आता है, न कि ये क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं सब। तो इसमें आपको एक सिविल लॉ बनाए जाते हैं, ये भी एक मोटी सी किताब है। इस किताब में ऐसी बातें नहीं लिखेंगे जो हमारा मेन किताब संविधान के उल्टा हो। तो ये सिविल का
कानून है। इसके अलावे और भी कानून होता है, प्रॉपर्टी कानून, कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी होगी। जैसे होता है ना कि अगर हमने कोई ज़मीन खरीदा है तो वो मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को वो ज़मीन देंगे कि नहीं। मान लीजिए मेरे दो बच्चे हैं तो हम चाहेंगे कि एक को सब दे दें, चाहेंगे तो कोनों को नहीं देंगे, किसी अनाथ आश्रम को हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है, यानी जो प्रॉपर्टी हमको हमारे पिताजी या दादाजी से मिली है हमको प्रॉपर्टी, तो उसमें मेरे बच्चों का बराबर अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह की जो नियम हो जाते हैं उसे हम लोग प्रॉपर्टी नियम में रखेंगे। ये भी एक अलग किताब है, लेकिन ये भी सिविल का मामला है, मारपीट का तो है नहीं यहाँ पर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए साइन कर दिए कि हम आपके आपके यहाँ हम दो साल काम करेंगे, एक के महीना में भाग रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, मकान मालिक, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे तो मान लीजिए तोड़ दिया तो आप क्या सजा दीजिएगा, तो इस पर नियम है कि अगर मान लीजिए कि 1,00,000 की कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो कितना फाइन लगेगा, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में। ये भी एक किताब है, जिस तरह से हमारा संविधान एक किताब है वैसे ये सारी किताबें हैं सब। लेकिन इन सारी किताबों को इस ध्यान से रखा गया है कि इसमें ऐसी बातें ना लिख दे जो हमारा मेन किताब संविधान है उसके उल्टा हो जाए। अब जो सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल किताब दिखती है वो लॉर्ड कार्नवालिस के समय से ही चलती आ रही है, जब हम गुलाम थे तब, हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे हिंदू कोड एंड मुस्लिम कोड कहते हैं। अब मुसलमानों के लिए कुछ पर्सनल लॉ है जो केवल मुसलमानों पर लागू होते हैं, हिंदुओं के लिए भी पर्सनल लॉ है जो केवल हिंदू पर लागू होते हैं। जैसे स्पेशली हम अगर दो तीन चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर तलाक काफ़ी सिंपल है मुसलमानों में, तलाक तलाक तलाक, जिसका बहुत मिसयूज होने लगा, ससुरा व्हाट्सअप पे लिख के भेज दो तलाक यहाँ पर। जबकि हिंदुओं में भी तलाक है, लेकिन आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। तो अभी जो वर्तमान बातें चल रही है कि ये हिंदू पर्सनल लॉ हटा के मुस्लिम और हिंदू के लॉ हटाकर एक देश का एक कानून रहना चाहिए, और इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या है कि ख़त्म नहीं किया जाएगा, एक कॉमन नियम बना दिया जाएगा कि जैसे मुसलमान में तलाक लेना काफी सिंपल है, हिंदू में काफी टफ है। तो अभी जो कोर्ट बनेगा उसमें क्या है, तलाक खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा, कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिनके साथ कितनी भी शरीफ लड़की है जिंदगी नहीं बिता सकती, इतना खच्चर है सब। और कुछ ऐसी खचरी लड़कियां भी हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़का नहीं जिंदगी बिता सकता है, क्योंकि अगर बातों से कोई समझ सकता तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने ही नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधर ही नहीं सकते, तो संविधान में ऐसी जगह दिया जाएगा। लेकिन हम मिसयूज नहीं, फेसबुक पे बोलता है तलाक तलाक तलाक, ये गलत है। तो इसको एक कॉमन बनाया जाएगा, उसे को हम लोग कहेंगे सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जितनी चीजें हैं ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल। सिविल मतलब होता है व्यवहार, नहीं बोलते हैं व्यवहारिक नहीं हो क्या, एकदम सिविल नहीं हो, तो सिविल लोगों की जगह को सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो ये सब लोगों को सभ्य बनाने के लिए सब कानून बनाई गई हैं। तो ये जो सिविल लॉ होते हैं सब, इन्हें हम दीवानी भी कहते हैं। अब सिविल लॉ जो है, मान लिया कि हमने इसमें से किसी एक ऐसे लॉ का हमने उल्लंघन कर दिया, कोई भी सिविल लॉ का इसमें से, या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, या फिर हमने प्रॉपर्टी वाला, या फिर हिंदू कोड तोड़ दिए। जैसे आप सिंपल बताइए, हिंदू के हिसाब से क्या होता है ना कि बेटियों की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता है, जबकि मुसलमानों में क्या होता है कि भाई का जिस तरह से संपत्ति में अधिकार है उसका थोड़ा हिस्सा बहनों मतलब बेटियों का भी होता है। तो ये कॉमन बनेगा, इस आगे अब ये रिफॉर्म होगा, गवर्नमेंट इसकी तैयारी में है, वो इसको लाएगी। अब मान लिया कि हमने कोई कानून तोड़ दिया सिविल लॉ का, तो हम पे मुकदमा होगा, जज हमारे घर ही पकड़ के ले जाएगा, कितना दिन में सजा ले जाएगा, सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। तो इसका एक लंबा प्रक्रिया चलती है, तो प्रक्रिया हम अपने मन से चला लेंगे, उसका भी एक लिखित कानून होनी चाहिए कि नहीं। तो वो लिखित कानून की किस तरह से कोई सिविल लॉ टूटने पर उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा, कब उसे गवाही के लिए बुलाया जाएगा, कब सबूत माना जाएगा, कब कहा जाएगा कि अगली तारीख पर आइएगा, तो एक प्रोसीजर होता है ना जी, तो उसी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोर्ट। उस प्रोसीजर के लिए भी किताब है, नहीं तो सब वकील कहेगा सर नहीं ये हमारा प्रोसीजर, ये हमारा प्रोसीजर। तो एक नियम कानून होना चाहिए ना कि नहीं, जो जज भी फॉलो करे कि भाई साहब आप कोई सबूत दिखाने से पहले हमको पहले सूचना दीजिएगा कि हम ये सबूत दिखाना चाहते हैं, ही नहीं कि सीधे जज साहब को चलिए ए जज साहब भाई लीजिए सबूत है लीजिए, तो फेंक देगा जज, वा कहेगा कि बकलोल कहीं का तुम कैसा वकील है। इसीलिए ना आप डायरेक्ट वकील जज से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं पता है, वकील को प्रोसीजर पता होता है। तो एक नियम कानून होता है कि सीधे जज को नहीं दे सकते, उसके लिए पेशकार होता है, नियम कानून होते हैं। तो सिविल मुकदमे के निपटारे के लिए जो नियम कानून है उसी को हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोर्ट, जिसको हम सीपीसी के नाम से कहते हैं। इसी सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत आप इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करेंगे तो आप पर मुकदमा चलेगा। कितने साल में फैसला आता है ये डिपेंड नहीं करता है, कब आएगा वो करेगा कि नहीं वो कोर्ट का मैटर है। लेकिन जब फैसले आते हैं इसमें
तो आपको दंड नहीं दिया जाता है, ना ही आपको जेल दिया जाता है, ना कुछ, आप पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। जैसे हमने किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, हमने ठेका लिया, हमने उस काम को नहीं किया, तो हमको जेल नहीं होगा, हमसे कहा जाएगा नहीं इतना पैसा भरिए, अब इतना पैसा नहीं भरेंगे ना तब जेल कर देगा, डायरेक्ट इसमें जेल की सजा नहीं होती है। यही फायदा होता है दीवानी का, इसमें होता है कि भैया आप कंपनसेशन चलता है, दंड नहीं दिया जाता है इसमें। सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी तो समझ गए, अब आईपीसी समझते हैं। मान लीजिए किसी को गोली मार दिए, बम मार दिए, कह दिए धमकी देते थे देख लेंगे तुमको, या फिर रेप कर दिए, अपहरण किडनैप कर दिए, फिरौती मांग दिए, मतलब ऐसी खतरनाक अपराध कर दिए, तो उसके लिए अब ये मामला सिविल में नहीं जाएगा, अब इसे दिया जाएगा क्रिमिनल में। तो क्रिमिनल को हम लोग फौजदारी कहते हैं, फौजदारी मुकदमा। तो इस फौजदारी मुकदमा को निपटने के लिए उसके भी नियम कानून बनाए गए हैं, एक कोड बनाया गया है उसके लिए, उसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। अब सोचिए ये इंडियन पिनल कोड 1861 का बना हुआ है, उस समय लॉर्ड मैकाले के समय, उतना पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ, आज भी चल रहा है, इसमें 511 धारा ले लेके हम लोग घूम रहे हैं लोग। तो अब यहां समझिए इसके तहत क्या कहा गया है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं कि मर्डर किसे कहा जाता है और मर्डर करने पर पुलिस किस धारा के तहत गिरफ्तार करेगी। अब यहीं आप अटक जाते हैं धारा क्या होता है। जिस तरह से हमारा संविधान था उसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई थी, उस पॉइंट को हम अनुच्छेद या आर्टिकल कहे थे, उसी तरह इस किताब में भी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई है कि मर्डर क्या है, डकैती, रेप, ये सब क्या है, तो उसको कहानी की तरह नहीं लिखेंगे ना, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो इस इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम धारा या अनुच्छेद ना बोलकर सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन को हिंदी में हम कहते हैं धारा। यानी संविधान में हमें कोई चीज खोजनी है तो क्या कहेंगे, अनुच्छेद खोजो तो आर्टिकल खोजो, लेकिन ई किताबों में अगर कुछ खोजना है कि सोचना मर्डर किया है, कौन चीज लगाएं इस पे, तो आर्टिकल अनुच्छेद खोजोगे नहीं, पॉइंट खोजिए कि मर्डर कहां है, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे कि धारा कहेंगे यानी सेक्शन कहेंगे। इसमें कई सारे पॉइंट है सब, जैसे संविधान में 395 अनुच्छेद थे तो यहां पे धाराएं हैं, यहां भी पॉइंट है सब, यहां 511 पॉइंट है सब, जिसमें बढ़ा घटा सकते हैं हम लोग जरूरत के हिसाब से। जैसे हम सिंपल सी बात बताते हैं आपको कि आपने किसी को गोली मारे, उसे जरा बच गया कि जा, तब वो जाके कोर्ट में पुलिस को कहेगा मारा था हमको, हत्या की कोशिश किया था, तो 307 लगेगा, हम मारे टपक गया तो 302 लगेगा। तो ये सब टाइप के लगते हैं, जैसे 376 बलात्कार पे लगता है, और 376 के बाद 377 आ जाता है अप्रकृतिकृत। अप्रकृतिकृत मतलब ना अननेचुरल कर देते, मतलब रेप करना जो होता है वो 376 पे आता है, लेकिन गैंग रेप कर देने पे एक तो वो अननेचुरल हो जाता है वहां पे। तो ये सब चीजें आती हैं, ये हम जब ऐप जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको ये सब चीजें बताएंगे। ये यूपी पुलिस वाला जो दरोगा वाले हैं लोग, उसमें ये सब क्वेश्चन सीधे पूछता है यूपी दरोगा वाले लोग यहाँ पर। तो ये आपका अनुच्छेद, ये अनुच्छेद नहीं है, ये क्या है सब, धाराएं हैं सब। ये किस काम में आती है सब, ये केवल पुलिस के काम में आती है। यानी आप अगर किसी को गोली मारे तो वो बच गया, तो पुलिस को ये अधिकार मिल जाता है किस धारा के तहत, 307 के तहत, कि आपको गिरफ्तार कर ले। मारे मर्डर हो गया तो 302 के तहत आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस सजा नहीं सुना सकती है। पुलिस इन धाराओं के तहत करके आप पर चार्जशीट लगा देगी कि ये इसलिए पकड़ाया है, और जज आपको दे देगी। अब कोर्ट में प्रक्रिया शुरू होगी, अब आगे की प्रक्रिया कोर्ट में हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा। उर्दू में इसे हम लोग क्या कहते हैं, ताजीराते हिंद। जैसे भारतीय दंड संहिता को क्या कहें, ताजीराते हिंद। मूवी में सुनते होंगे ना, ताजीराते हिंद दफा 302, दफा मतलब ये धारा को ही क्या कहते हैं, दफा। तो ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत आपको मुलजिम करार दिया जाता है। तो मुलजिम करार दिया, अब आपको सजा सुनाएगा कि कितने साल की आपको सजा सुनाई जाती है। तो आईपीसी केवल आपके अपराध की परिभाषा है, और वो पुलिस को यह अधिकार दे देता है कि इस आईपीसी यानी इस धारा के तहत गिरफ्तार के लिए। संहिता का मतलब होता है नियम कानून। दंड के लिए क्या नियम कानून है, दंड संहिता। चुनाव का क्या नियम कानून है, आचार संहिता। शादी ब्याह का क्या नियम है, वो सिविल संहिता। ये आप लोग सुनते होंगे ना, संहिता वगैरह। मान लिया कि मर्डर कर दिए तो आईपीसी की धारा में मर्डर की परिभाषा है, और आपको 302 धारा के तहत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अब आपको कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा यहां पर, अब उसमें भी नियम कानून है। पुलिस रिमांड पर भेजें कि जुडिशियल रिमांड पर भेजें, सबूत कब आएगा, गवाह कब आएगा, जो पहले से लंबित मुकदमे है वो कहां जाएगा। पुलिस अरेस्ट की है किसी को तो पुलिस 24 घंटा से ज्यादा थोड़ी रख सकती है, वो जेल में देगी। जेल एक अलग डिपार्टमेंट है, ये पुलिस को जेल पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। वहां जेल में जाएंगे तो खाना कौन चीज खाएगा भाई, खाना पीना खिलाइएगा ना, मरीजवा मर जाएगा वहां पे। तो
कोर्ट ससुरा जो क्रिमिनल को लेके आती है, वो क्रिमिनल के लिए भी एगो अलग प्रोसीजर अपनाना पड़ता है कि कब ये सबूत देगा, कब इसको गीता या कुरान पे कसम खिलवाएंगे, कब इसको भेजेंगे, कब इससे पूछेंगे। तो एक प्रोसीजर है ना जी, 4-5 साल मुकदमा चलता है, तो बहुत कम बोले 4-5 साल मुकदमा, 30-30 साल मुकदमा चलता है। तो मुकदमा जो जैसे हम लोग ने सिविल मुकदमे के लिए सिविल प्रोसीजर कोड अपनाए थे, उसी तरह क्रिमिनल मामले के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपनाएंगे, जिसे हम लोग कहेंगे CRPC। उसको हम समझे CRPC जो होता है वो कोर्ट के काम में आता है, प्रोसीजर जो भी होते हैं वो कोर्ट के काम में आता है। ऐसे आपने सुना होगा मूवी में, हम तो रियल में देखे हुए हैं, देखिए ये दूसरे का फोटो नहीं है, मेरा ही है। स्टूडेंट्स की लड़ाई के लिए ना हम लोग बहुत बार जेल गए। देखिए पहले क्या था कि आदमी ऑफलाइन पढ़ाता था, तो बिहार भर के लड़के जानते थे लोग यहाँ पे। अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से आपको मजबूरी में यूट्यूब पे आना पड़ गया। हम लोग तो लॉकडाउन नहीं रहता तो कभी हम यूट्यूब पे भी नहीं आते, तभी तो पूरा इंडिया के लड़के जान गए। और इंडिया के लड़के जान गए तो हम लोग भी पूरी इंडिया की समस्या समझ गए कि भाई साहब जो समस्या बिहार यूपी के स्टूडेंट के लिए ना, पूरे इंडिया के लिए है। तो अब तो हमको लगता है भाई पूरा इंडिया वालों के लिए लड़ना पड़ेगा, अब देखते हैं कितनी बार जेल जाना पड़ेगा। कई बार तो जज पहचान गए थे कि बार बार चला आता है यहाँ पे। तो हम लोग कोई बहुत भयंकर मर्डर तदर के केस में नहीं गए, स्टूडेंट के मांग के लिए चले गए। अब सरकार बातें नहीं सुनती है, नीतीश कुमार को देखिए कोरोना के वजह से कह रहे हैं कि नहीं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लाइए पूरा पास का 3 साल का, तब हम दरोगा का फॉर्म भरने देंगे। गलत बात है ना, अब हम यही ऑफलाइन में रहते तो उखाड़ देते पटना में पूरा, बवाल करते नीतीश कुमार, उठा के भेज देते जेल में, फिर हमारे ऊपर लगता क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट क्रिमिनल है ससुरा, पूरा भयानक भीड़ उठा के लाया है कि क्यों आपने ग्रेजुएशन मांगा, कोरोना के वजह से सबका ग्रेजुएशन अटका हुआ है। ऑफलाइन रहते तो अभी तक जेल में हम चल गए रहते। तो ये सब प्रोसीजर, इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं क्योंकि हम सब फेस किए हुए हैं ये सब चीज को, और अभी फिर करने वाले हैं, क्योंकि भाई पूरा इंडिया के लिए जब मुद्दा उठाएंगे तो फिर तो जाना ही पड़ेगा जेल में। तो कैदियों के लिए जजों के ऊपर भी एक प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल को शॉर्टकट में CRP मतलब प्रोसीजर, सी से कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट CRPC होती है। इसमें भी अनुच्छेद नहीं प्रयोग किया जाएगा, इसमें भी धारा या सेक्शन किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई आदमी जेल में है, अब दरोगा आके कहेगा कि जैसे अब हम इसको पुलिस रिमांड पे लेना चाहते हैं, तो जज झाड़ देगा चट्टा कहीं का, जब अरेस्ट किया था तब क्यों नहीं पूछा था इससे पूछताछ करने के लिए, अब हम इसको न्यायालय के अंडर में आ गया, अब ये जुडिशियल रिमांड पर है, न्यायिक रिमांड पर है, अब तुम नहीं ले जा सकते हो, अब इसको जेल में रहने दीजिए। जेल में कोई नहीं पीटता है, जेल तो एकदम आराम की जिंदगी होती है। जेल में क्या, अब हम आपको पूरा बताएंगे जेल में कैसे खाना मिलता है, कितना टाइम पे मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, A to Z बताएंगे एकदम बढ़िया से, आप टेंशन नहीं लीजिए। जेल में तो कोई दिक्कत नहीं है ससुरा, कभी कभी इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह भी बात है कि पुलिस जो है अगर इन्वेस्टिगेशन में आपको पूछताछ के लिए मांगना चाहती है तो कोर्ट से कहेगी कि जज साहब जो कैदिया आपके पास है ना, आप जो जेल में भेजे हैं न्यायिक हिरासत में, उसको जेल से मंगाकर पुलिस रिमांड पर भेज दीजिए। और जिन ससुरों को जुडिशियल रिमांड से जज बुला के पुलिस रिमांड पे भेजेगी, उनको जो धोएगा सब ना, उनका कोई हिसाब नहीं, बहुत बढ़िया से धोएगा सब। उसके बाद जज के पास आएंगे ना वापस, तो जज पूछेगा पिटाए नहीं ना थे, कहेंगे नहीं, और जहां कह दिए आप हाँ, तो जज तो पुलिस को वहीं पे गरिया। जज का पावर इतना होता है ना कि DMSP को वहां पे उल्टा सीधा बोल देते हैं सब, हम अपने आंख के सामने देखें, उनका पावर बहुत होता है। तो वो आपको पीटेंगे सब, कहेंगे सर कि कोर्ट में बोलना मत, अब बोल दिए तो फिर तो बढ़िया से पीटेगा सब। तो ये एक प्रोसीजर होता है ना पुलिस के बारे में। देखिए क्रिमिनल को सबसे ज्यादा अगर कोई डिफेंड करता है ना तो कोर्ट करती है, आराम से जाता है सब। बड़का बड़का क्रिमिनल जो हैबिचुएटेड हो जाता है सब एक दो बार, वो कहता है सब पुलिस वाले का कौनसी नौटंकी की है, चार्जशीट लगा के कोर्ट में भेजिए, जानता है कोर्ट में जाएंगे कोर्ट कर देंगे हाँ जेल में भेजो, आप पुलिस को कहेगा उसको जेल में रहने दीजिए, आप जांच पड़ताल करिए, जांच में पता चल जाएगा क्राइम है तो कह देगा हाँ आप 3 साल जेल में रहिए, जाइए जेल में खाना खाते रहिए, 3 टाइम मिलेगा। ओवरऑल आप समझिए यहाँ पर हम जो एक सबसे बड़ी जो किताब है वो है संविधान। संविधान में जो पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई हैं उसे अनुच्छेद या आर्टिकल कहते हैं 395। इस संविधान के अधीन सारी किताबें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, कुछ भी हो गया, इसी संविधान के अंडर आएंगे, इससे बड़ा कोई नहीं है इस देश में, यही सबसे बड़ा है। अब इसमें जो है सिविल लॉ है, जो दीवानी मामले हैं उसमें मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कई ठो हैं, इनको निपटारा के लिए आपके पास है सिविल प्रोसीजर कोड। दीवानी मुकदमे इसमें पेपर तगड़ा है जीत जाएंगे, पेपर तगड़ा नहीं है तो हार जाएंगे। अब आता है क्रिमिनल वाला, कोई गड़बड़ सड़बड़ काम किए हैं तो पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करेगी, तो IPC इंडियन पिनल कोड ताजीराते हिंद के तहत गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन पुलिस सजा तो दे नहीं सकती है, ये हैंडओवर कर देगी कोर्ट को। अब कोर्ट में एक प्रोसीजर चलेगा मुकदमा चलाने का, तो उसे कहेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट CRPC कहेंगे, समझा गया कि नहीं। अगर
इन किताबों में भी कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट है, उस पॉइंट को हम सेक्शन, धारा या दफा कहते हैं, जबकि इसके पॉइंट्स को हम आर्टिकल्स कहते हैं। अब बहुत से चीज़ें होती हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाना है, या फिर आपको सनहा लिखवाना है, या फिर आपको जीरो FIR लिखाना है। किसी का 20 रुपये का सिम कार्ड गिर गया तो FIR नहीं लिखते हैं सब, लेकिन उस सिम कार्ड से मिसयूज हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे। तो इसके लिए आपको NCR लिखवाना पड़ेगा। वो क्या चीज़ होता है इसको समझा देंगे। ये पुलिस रिमांड कैसे लेती है, यह चार्जशीट उर्जशीट लगा के जेल में भेज देती है, जेल में कितने टाइम पे खाना मिलता है, कितना पैसा मिलता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या बाहर से लोग हमसे मिलने आ सकते हैं, बाहर से खाना मंगा सकते हैं कि नहीं मंगा सकते हैं, इसमें हमको वर्दी ड्रेसवा तो ऐसे नॉर्मल जाइएगा तो यही कपड़ा पे छोड़ देता है ऐसा, एकदम परमानेंट हो गए कि नहीं भैया ज्यादा दिन रहने वाला है तभी आपको नंबर देगा, नहीं तो सबको नंबर नहीं देता, जिसको नंबर दे दिया समझिएगा सीनियर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जज और मजिस्ट्रेट होता है, कभी कभी आपको जज के पास ले जाया जाएगा, नॉर्मल मैटर है तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। इसमें क्या अंतर होता है जज और मजिस्ट्रेट में, जज में भी देखते होंगे जज होते हैं, एक तो जस्टिस होते हैं, एक न्यायाधीश होते हैं, एक उस न्यायमूर्ति होता है सब। और यहां तो इस चीज को तो समझना जरूरी है कि आपका केस समन वाला केस है कि वारंट वाला केस है, इसमें अंतर नहीं समझेंगे ना तो उठा ले जाएगी पुलिस, फिर बढ़िया से धोएगी आपको। तो आई होप जो धारा अनुच्छेद ये सब चीज थे IPC CRPC आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीजें आपको समझा देंगे। इसको लिखने के लिए PDF जो ऐप पर जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे कंप्लीट, तो उसके लिए हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।